हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सार्ट ट्री की सहायता से दिए गए लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन संबंधी बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है और इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, देन इट्स वेक्टर इक्वेशन इज, ऑप्शन दिया हुआ है। और ये दूसरा क्वेश्चन आप स्टूडेंट देख रहे हैं, यह वर्ष 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे 10 सेकंड के अंदर सार्ट ट्रिक की सहायता से आप सॉल्व करेंगे, यहां पर हम आपको ट्रिक की सहायता से इसे सॉल्व करना सिखाएंगे। तो यहां पर जरा देखेंगे, सबसे पहले अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ हो, कार्तीय समीकरण दिया हुआ हो, उसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, सदिश रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रिक समझिए आप, यहां पर जरा देखें ट्रिक हमारा क्या कहता है कि अगर लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपान ए वन, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी, यह वाई वन है, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी अगर है, क्या है यह इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, यह क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, यह कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर इस ट्रिक की सहायता से आप कन्वर्ट कर लेंगे। देखेंगे इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। और यहां पर कार्टेशियन से वेक्टर या वेक्टर से कार्टेशियन दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको और भी अतिरिक्त कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जहां देखिएगा, इस तरह से अगर लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का सबसे आसान सा तरीका यह है, वेक्टर आर इक्वल टू, यहां पर जा देखिएगा, एक्स वन वाई वन जेड वन जो भी इसका साइन रहेगा उसका साइन उल्टा करके लिख देना है आई जे के साथ। जैसे यहां पर जरा देखेंगे माइनस है तो यहां पर प्लस हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप और प्लस जेड वन के कैप अब प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर, एक और बनाएंगे जो नीचे यहां पर दिया हुआ है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, यही हो गया इसका क्या, वेक्टर फॉर्म। यहां पर ध्यान आपको यह रखना है कि एक्स वाई जेड के कोफिशियंट वन होने चाहिए, यहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशियंट वन होने चाहिए। और इस फॉर्म में अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो तुरंत आप इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इसी ट्रिक पर हम लोग लगाते हैं पहले क्वेश्चन को। यहां पर जरा देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट यहां पर जरा देखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इज एक्स प्लस थ्री अपॉन टू y माइनस फाइव अपान फोर इक्वल टू जेड प्लस सिक्स अपान टू, यह क्या है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गिवन लाइन है, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए देखेंगे करेंगे क्या, यहां पर एक्स वाई जेड के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके आई जे के साथ उसको लगा देना है। जैसे यहां पर प्लस थ्री है माइनस थ्री आई कैप, माइनस फाइव है प्लस फाइव जे कैप, प्लस सिक्स है माइनस सिक्स के कैप, प्लस यहां पर जरा देखेंगे प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा है प्लस लैम्डा टाइम्स, और नीचे जो है जो डिवीजन के रूप में है उसमें भी आई जे के लगाकर उसको प्लस करके लिख देना है। तो यहां से हो जाएगा टू आई कैप प्लस फोर जे कैप और प्लस टू के कैप। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां से देखेंगे माइनस थ्री आई अब प्लस फाइव जे माइनस सिक्स के प्लस लेमडा टाइम्स टू आई प्लस फोर जे प्लस टू के, ऑप्शन बी यहां पर
करेक्ट हो जाता है। और स्टूडेंट ध्यान रखें, स्टिक को लगाते समय एक्स वाई जेड के कोफिशियंट 1 होने आवश्यक हैं। जैसे अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बीएचयू बीएससी एंट्रेंस में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर जरा देखें, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, देन इट्स वेक्टर इक्वेशन इज, इसका वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है। तो यहां पर जरा देखें कैसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ टू देखेंगे, गिव इन लाइन क्या दिया हुआ है, 6x-2=3y+1=2z-2 ये दिया हुआ है। तो इसके अपान कुछ नहीं है, तो इसके अपान हम 1 ऐसे मान सकते हैं, इस तरह से इसके अपान हम 1 मान सकते हैं। अब देखें ट्रिक लगाना है, ट्रिक लगाने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट 1 होने चाहिए। तो इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे और इसमें 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी उतने से ही डिवीजन होगा। जैसे जब इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जरा देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, एक्स माइनस 1/3/1/6 इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा वाई प्लस 1/3/1/3, इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों ऐसा किया जा रहा है, कोफिशियंट 1 बनाने के लिए। तो इसमें जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा z-1/1/2। अब यहां पर देखें x y z के कोफिशियंट क्या बन गए हैं, 1 बन गए हैं। तुरंत इसका वेक्टर फॉर्म आप लिख पाएंगे, तो इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर r इक्वल टू, यहां पर देखेंगे इसके सब साइन चेंज करके i j k के साथ लगा देना है, तो 1/3 i कैप माइनस, यहां पर जाने प्लस है तो यहां पर लगेगा माइनस 1/3 j कैप और प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 1/6 i कैप प्लस 1/3 j कैप और प्लस 1/2 k कैप, इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको क्या कर लेना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर जरा देखेंगे अब इसको किस तरह से और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जरा देखेंगे वेक्टर r इक्वल टू यहाँ पर 1/3 i कैप ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 1/3 j कैप और प्लस k कैप। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को एलसीएम जब ले लेंगे तो यहाँ पर जा देखेंगे यह हो जाएगा प्लस लैम्डा बाय 6 और 6 एलसीएम जब ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप प्लस 2 j कैप और यहाँ से हो जाएगा प्लस 3 k कैप। और यह लैम्डा बाय 6 क्या है, एक नया कांस्टेंट है, इसकी जगह एक नया लैम्डा लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह वैक्टर इसका हो जाएगा 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस के कैप और प्लस इसकी जगह क्या करेंगे, एक नया लैम्डा लिख देंगे और यह हो जाएगा आई प्लस 2j और प्लस 3 k कैप। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका अगर हम लोग ऑप्शन मिलाएं तो 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस 2j और प्लस 3 k, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं।